से अपनी जिंदगी शुरू करने वाली मनीषा पवार वही कार्यकर्ता है जो जनता के बीच में रही, 36 कौम के बीच में रही और जिस तरीके से कामकाज किए हैं वे उसी का वजीफा कहा जा सकता है। खुद मनीषा पवार इस वक्त हमारे साथ है, चुनाव मैदान में फिर आपको उतारा है, आपने अशोक जी के सपने पूरे किए, अपने पिता के सपने पूरे किए, दूसरा जब टर्न है कैसे आपकी प्राथमिकता रहेंगी, कैसे आप जीत का जो जश्न है वो मनाने के लिए तैयारी है, किस तरह से आपकी प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे पिता राम सिंह जी आर्य का आशीर्वाद भरपूर मुझ पर है और कांग्रेस के आला कमान और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आशीर्वाद एक बार पुनः मिला। ये मिलने का कारण था कि लगातार 5 वर्ष लोगों के बीच में रहना, उनके सुख दुख में काम आना और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया, विकास को हर घर तक पहुंचाने का काम किया और आने वाले समय में भी हम इसी तरह लोगों के साथ जुड़कर लोगों के साथ मिलकर उनके सुख दुख में काम करेंगे, जो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आम कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पदाधिकारियों का और आम जनता का स्नेह एक बार और